प्रशासन ने की नई पहल। अनंत चतुर्थी के उपलक्ष में प्रशासन द्वारा नगरवासियों की सहमति से एक योजना तैयार की गई, जिसके अंतर्गत शहर के प्रमुख चौराहों पर लोडिंग वाहनों को खड़ा किया गया और शहरवासी एक एक कर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और अन्य नियमों का पालन करते हुए वाहन के पास पहुंचे और नगर पालिका के अधिकारियों को भगवान गणेश की मूर्ति वाहन में रखी, जिसका समय दोपहर 1:30 बजे तक था। इसके बाद बड़नगर SDM डॉक्टर योगेश बरसठ, तहसीलदार सुरेश नागर, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति द्वारा विधिवत रूप से पंडितों के जरिए पूजा अर्चना चावला नदी के पास की गई, जिसके बाद गणेश जी का विसर्जन प्रशासन द्वारा किया गया, जहां कोई भी आम व्यक्ति मौजूद नहीं था। सिर्फ प्रशासन के ही गिने चुने अधिकारी मौजूद थे और नियमों का पालन करते हुए योजनाबद्ध तरीके से मूर्ति का विसर्जन किया गया। यह पहल अगर पूरा मध्य प्रदेश में पूर्ण काल में हो जाए तो किसी को भी गणेश जी का विसर्जन करने में कोई परेशानी नहीं होगी और नियमों का पालन भी आसानी से हो जाएगा। बड़नगर के अधिकारियों द्वारा एक नई पहल की गई है, जो कि आदर्श पहल है। आज हमने पूरे प्रशासन प्रशासनिक स्तर पर पहले से ही हमारी प्लानिंग थी, 4 दिन से हमारी प्लानिंग थी। शांति समिति की मीटिंग हम लगातार कर रहे थे। माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम सभी जनमानस से हम बातचीत कर रहे थे और 12 पॉइंट पर जो है नगर पालिका के सहयोग से ट्रक लगाए गए थे जो कि सैनिटाइज थे और उसके बाद में उनमें दरी बिछाई गई थी। विधि विधान से वहाँ पर जो है हमने नगर पालिका के PA सिस्टम से अनाउंसमेंट किया कि सभी अपने अपने घर से मूर्तियों को विसर्जित करके वहाँ पर रखें और एक निर्धारित समय था 10:30 बजे से 1:30 बजे तक के लिए। 1:30 बजे तुरंत हमने वहाँ से ट्रक निकालकर विधिवत स्वयं हाथों से मूर्तियों का विसर्जन किया है और पूरी जनता ने भी हमारा इसमें सहयोग दिया है। जी, ये बताएं किस प्रकार से आज योजनाबद्ध तरीके से अनंत चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन किया गया और प्रशासन द्वारा स्थानीय नई पहल की गई, जिसके तहत सारे नियमों का कोरोना के लिए जो बनाए गए हैं पालन किया गया है, क्या है पूरा मामला? अनंत चतुर्दशी में गणेश भगवान के विसर्जन के लिए हमारे द्वारा हमारे SDM महोदय के निर्देश पर विशेष पहल की गई और उस पहल के तहत हमने शहर में 12 जगह स्थान चयनित किए। उन स्थानों के पर विशेष रूप से जो प्रशासन द्वारा जो गाड़ियां रखाई गई और उस स्थान पर आम लोगों द्वारा गणेश जी की मूर्तियां लाकर गाड़ियों में रखी गई। उन मूर्तियों का विसर्जन हमारे द्वारा प्रशासन स्तर पर नदी में विधिवत पंडितों के माध्यम से करवाया। जी, बताएं कि किस प्रकार बड़नगर नगर में कितनी गाड़ियां रखी गई और कैसे योजना तैयार की गई? लगभग 12 गाड़ियां थी और लगभग पूरे शहर में प्रति हर घर की मूर्तियां विसर्जन करने में शहरवासियों ने बहुत सहयोग दिया। आम नागरिकों ने इस पहल को बहुत सराहा है।